अंधेरी रात, फ्लैश लाइट में गरजता चमकता पानी और पत्थर पर जिंदगी के लिए मौत से लड़ रहे 40 लोग। शिवपुरी के सुल्तानगढ़ में इन लोगों का एक एक सेकेंड मुश्किल से बीत रहा था। रात के अंधेरे और हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट बंद होने के साथ ही इनके हिम्मत थोड़ी कमजोर पड़ने लगी थी, लेकिन रेस्क्यू टीम ने हार नहीं मानी। सुबह होने का इंतजार नहीं किया, सैलाब से सभी लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू टीम ने रस्सियों की मदद ली। तस्वीरों में देखिए, इस पत्थर से सुरक्षित ठिकाने तक मजबूत रस्सा बांध दिया गया। रस्सी की मदद से सैलाब में फंसे लोग एक एक कर आगे बढ़ने लगे। रेस्क्यू टीम में शामिल जवान लहरों के बीच छोटे छोटे पत्थरों पर चौकन्ने थे। बहाव अभी भी इतना तेज था कि एक झटके में काल बन सकता था। 10 घंटे तक मौत से मुकाबले के बाद जैसे जैसे लोग जिंदगी की ओर बढ़ रहे थे, किनारों पर खड़े लोग तालियां बजाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। इसमें 40 लोग थे जो टापू में नजर आ रहे हैं, पूरे 40 निकाल लिए गए हैं और 5 लोग पहले से एयरलिफ्ट करके उनको हेलीकॉप्टर से निकाल लिया गया था। इस तरह से 45 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, सभी सेफ निकल गए। NDRF, SDRF और BSF समेत रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल जवानों ने एक एक कर 40 लोगों को मौत के मुंह से निकाल लिया। जब से सूचना मिली है तब से शिवपुरी, ग्वालियर IG, कमिश्नर, कलेक्टर, SP, SDRF की टीम, पुलिस की टीम, BSF की टीम, वायुसेना, सभी लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि रेस्क्यू करके 34 लोगों को बचाया जा सके। दरअसल बुधवार की शाम 4 बजे जैसे ही पिकनिक मनाने गए लोगों के वाटरफॉल यानी झरने के पानी में फंसने की सूचना मिली, पुलिस प्रशासन तुरंत एक्शन में आ गया। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि आगे बढ़ना मुश्किल था। हालात को भांपते हुए तुरंत लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर मंगवाया गया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी खुद मौके पर पहुँच गए। पुलिस के आला अफसरों की निगरानी में मौत से मुकाबला कर रहे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन की मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी। कुछ देर में ही वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 5 लोगों को मौत के मुंह से निकाल लिया, लेकिन तब तक अंधेरा हो चुका था। तकनीकी वजहों से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सकते थे। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर खुद सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी नजर थी। उन्होंने ट्विटर पर भरोसा जताया कि सैलाब में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। वक्त तेजी से बढ़ रहा था। NDRF, SDRF और BSF की टीम लगातार उस पत्थर तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी जहां लोग फंसे हुए थे। दूसरी ओर अचानक आया पानी भी धीरे धीरे कम होने लगा। 4 घंटे में पानी करीब 4 फीट कम हो गया। रेस्क्यू टीम की तैयारियां भी पूरी हो चुकी थी। 10 घंटे तक पानी में मौत से मुकाबला कर रहे लोगों ने रस्सियों के सहारे सैलाब में उतरना शुरू किया। रेस्क्यू टीम में शामिल जवान हर अनहोनी से निपटने के लिए सैलाब में तैयार थी। 40 लोगों को रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित निकाल लिया। 5 लोगों को पहले ही हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया जा चुका था।